गुड मॉर्निंग मैम, आई एम नीलेश वानखेड़े फ्रॉम आरकेएस कॉलेज। आईआईटी का एक टेक फेस्ट है, उसके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपके आंगनबाड़ी की, तो प्लीज़ आप थोड़ी शेयर करें। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप यहाँ किस तरह की डिफ़िकल्टीज का सामना करते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम आपके आती है आंगनबाड़ी में। जैसे यहाँ पे टीकाकरण होता है, अच्छा। तो हम लोगों को गली गली बोलने जाना पड़ता है कि जैसे आप यार सेकंड मंगलवार को मिले, सेकंड मंगलवार को हर मंगलवार को होता है, मतलब महीने के सेकंड मंगलवार, महीने के सेकंड मंगलवार को टीकाकरण। अच्छा। और उसी दिन अपने यहाँ एक पैकेट बढ़ते है। किस तरह के पैकेट की बात कर रही हैं? ये जो पैकेट आते हैं ना अपने यहाँ, अच्छा, जैसे सत्तू है, खिचड़ी के पैकेट है, तो ये बच्चों के लिए है या बच्चों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। जैसे ना महिला गर्भवती रहती है, गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से पैकेट आते हैं, बच्चों के लिए जीरो यानी कि छोटे बच्चे से लेके 3 साल तक के बच्चों के लिए, तो वो भी बांटना पड़ते है। उसी आप घर घर जाके बांटते हो? नहीं, वो तो अपने आंगन केंद्र में होता है, केंद्र में होता है, मतलब वो लोग लेने आते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं ये सब, मतलब इनका क्या प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करते हैं? हाँ, वो कार्ड बनाते हैं, जैसे टीकाकरण होता है ना, तो उनके नए टीके लगते हैं, और जैसे लेबरी का रहता है उसमें गाड़ी का नंबर नोट करके देते हैं कि ताकि कुछ प्रॉब्लम हो तो आप भी कर सकते हैं। मैंने आंगनबाड़ी के बारे में सुना था कि यहाँ बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। हाँ, पढ़ाया जाता है ना, जैसे सुबह 9:30 से 11 बजे तक बच्चे स्कूल चले जाते हैं, 9:30 से 11 बजे, क्योंकि इतने टाइम दे सकते हैं, बच्चों के भी स्कूल है, कोयर वगैरह बुलाते हैं, जैसे हमारे यहाँ मैडम है तो ये देखती है, सब बच्चों को बुला के भी लाती है, पढ़ाती है। ये किस उम्र तक के बच्चों के लिए? बच्चों को 6 साल तक के बच्चे, 6 साल तक के बच्चों को। तो इनको आप मील्स भी देते हैं कुछ खाने के? हाँ, जैसे दलिया आता है, मीठा नमकीन दलिया, अच्छा, खिचड़ी आती है रोज, और महीने के सेकंड मंगलवार को उनके लिए पूरी खीर, अच्छा, सब भी आता है। अच्छा, तो और किस तरह की प्रॉब्लम्स आप यहाँ फेस करते हैं? जैसे बच्चे प्रॉपर पढ़ नहीं पाते होंगे कुछ बच्चे, तो इनके लिए फिर किस तरह से? प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो अपन को इससे ज्यादा परेशानी नहीं होती है। अच्छा, बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, तो अपन को राय देते हैं गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराओ उनका, ताकि वहाँ पे उनको सुविधा मिले, पढ़ सके बच्चे। और किस तरह की प्रॉब्लम आप यहाँ फेस करते हैं? बस यही है, बस और तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। साफ सफाई में भी सब करवा के बच्चों को भी साफ सुथरा आने का बोलते हैं कि आप भी घर से साफ और तैयार। बाकी आपको यहाँ और कोई तरह की प्रॉब्लम? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।